आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट एग्जाम के बारे में। दोस्तों, अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो नेट एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेट एग्जाम क्या होता है, नेट एग्जाम कौन दे सकता है, नेट के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे और नेट एग्जाम देने के बाद आपको क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नेट एग्जाम क्या होता है। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दोस्तों ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हो, आप इस एग्जाम को पास कर लेते हो, तो इसके बाद आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो या फिर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आप लेक्चरर बन सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन हैं जो कि आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये एग्जाम साल में दो बार होता है, एक जून के महीने में, एक दिसंबर के महीने में। ये एग्जाम MCQ टाइप होता है, यानी कि एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे, जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको चुनना होगा। नेट का एग्जाम दो टाइप का होता है, एक CSIR नेट, एक UGC नेट। जिन स्टूडेंट का बैकग्राउंड साइंस स्ट्रीम है वो CSIR नेट देते हैं, और साइंस के अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट है उन्हें UGC नेट देना होता है। जो UGC नेट होता है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन CSIR नेट में आपको निगेटिव मार्किंग होती है। अब हम जानेंगे कि नेट एग्जाम कौन दे सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, सारी बातें। तो देखो, अगर आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है या फिर आपको लेक्चरर बनना है, तब आपको नेट का एग्जाम देना चाहिए। वैसे भी नेट का एग्जाम इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नेट क्वालिफाइड होना अपने आप में ही एक सम्मान की बात है। तो दोस्तों, अगर आप नेट का एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका PG कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है किसी भी सब्जेक्ट से। आप चाहो तो MA कर सकते हो, MSc कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपको PG कंप्लीट करना होगा। और PG में कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर के लिए OBC SC ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स है तभी आप नेट के लिए एलिजिबल है, उसके अलावा अगर आपके इससे कम है तो आप नेट एग्जाम नहीं दे सकते। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जो आपकी एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30 साल है, और अदर कैटेगरी के लिए OBC के लिए 3 साल की छूट है, और SC और ST के लिए 5 साल की छूट है। अब हम जानेंगे कि नेट एग्जाम के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, नेट एग्जाम क्वालिफाई अगर आप कर लेते हो तो इसके कई सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात तो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इससे आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। नेट क्वालिफाई करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है और ना ही बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा, यानी कि इस एग्जाम को पास कर जाएगा। देखो, अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद जो सबसे बड़े दो ऑप्शन है, पहली बात तो आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो, और दूसरी बात कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ये तो दोनों चीज़ है, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप चाहो तो आप जॉब भी कर सकते हो। आप PSU में भी जॉब कर सकते हो। PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दोस्तों, ये मल्टीनेशनल कंपनी होती है, और इस कंपनी की खास बात ये होती है कि ये सारी कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी स्टूडेंट नेट क्वालिफाई है वो इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, और उनको इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी दी जा सकती है। तो आपको बहुत तरीके के फ़ायदे मिलेंगे नेट क्वालिफाई करने के बाद। अब हम जान लेते हैं कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले बस आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। तो बात आती है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद कितने पैसे मिलेंगे। अगर कोई स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करता है और उनकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी, यानी कि जो कि टॉप रैंकर्स होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। अगर आप नेट क्वालिफाई करने के बाद रिसर्च फील्ड में जाना चाहोगे, यानी कि JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तब आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी, और आप अपनी PhD भी करते रहोगे। PhD जब तक आप करोगे तब तक आपको हर महीने स्कॉलरशिप मिलेगी, और दोस्तों ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी खासी होती है। अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो ये स्कॉलरशिप 30 से लेकर 35 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। जी हाँ दोस्तों, ये साल में एक बार नहीं होती, ये आपको हर महीने ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ये इसलिए दी जाती है कि आप अपनी फाइनेंशियल, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अपना पूरा फोकस रिसर्च के फील्ड में लगा सको, इसीलिए गवर्नमेंट
टॉप रैंकर्स को ये स्कॉलरशिप देती है। दोस्तों ये वीडियो नेट एग्जाम के बारे में थी, मैंने ब्रीफ में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हो जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में सब कुछ बताऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके अलावा और भी जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। उसके अलावा चैनल पर बहुत सारी वीडियोज जो कि आपके काम की आ सकती है, तो चैनल पर जाइए, वीडियोज देखिए। वीडियोज पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस की दीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।